हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। आज मतलब कल का व्लॉग मैं खत्म नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि आए थोड़ी देर बैठे, ऐसे थोड़ा कुछ अपना पैकिंग वगैरह किया एंड फिर हम लोग सो गए डायरेक्टली। डिनर के लिए भी हम लोग नहीं आए। आज डे 10 है। ऐसे तो चार धाम हमारा खत्म हो गया, मतलब कल लास्ट जो बद्रीनाथ के दर्शन थे वो हमारे चार धाम के दर्शन पूरे कम्प्लीट हो गए थे। तो आज हम लोग ये श्रीनगर से निकल के ऋषिकेश में हमारा स्टे एंड कल तो हम लोग घर चले जाएंगे। जिन लोगों ने भी मेरा डे 1 to day 9 का व्लॉग्स मतलब चार धाम सीरीज नहीं देखे वो ये व्लॉग के बाद या फिर ये व्लॉग के पहले वो चेक कर सकते। तो आज के आइटनरी में हमारा एज सच कुछ भी नहीं है, मतलब बस हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे एंड अगर टाइम मिला तो विकी एंड शिवानी जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है एकदम से। अभी बस ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, तो रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो बताऊंगी, अदरवाइज एज सच कुछ है नहीं है। होटल टूर वगैरह दूंगी हरिद्वार ऋषिकेश में पहुंच के, बाकी और कुछ है नहीं। लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ऋषिकेश में ये होटल हमारा स्टे है, मतलब कल मॉर्निंग में हम चेकआउट करेंगे, आर्टिक होटल हिल्स। सभी मैं आपको अंदर चल के मेरा रूम टूर देती हूँ। बस ये इनका रिसेप्शन वगैरह है। थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम, ये इनका पार्किंग है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ से एंट्री किया। अभी ऊपर रूम में जाके आपको मैं रूम टूर देती हूँ। ये लॉबी है, यहाँ से बहुत सारे रूम्स हैं। अभी हमारा रूम है 304। एंट्री पे ये दो चेयर्स एंड टेबल दिया हुआ है। वार्डरोब, अगर आपको सामान वगैरह कुछ रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे टेलकॉम की सर्विसेज है, प्लस डबल बेड किंग साइज बेड है। यहाँ पे भी सामान रखने के लिए स्पेस काफ़ी दिया हुआ है। टीवी, डस्टबिन, एसी सेंट्रलाइज्ड है, बट अपन अपने रूम का खुद से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रिमोट दिया हुआ है, देखोगे तो एक पानी की बॉटल। काफ़ी बड़ा है रूम ऐसे देखेंगे तो। वॉशरूम, गीजर एंड ऑल है। फिर इन लोग ने टॉयलेट्रीज यानी वॉश बेस का आई मीन सोप, शैम्पू, शावर जेल, ये सब तो बेसिक जो देते हैं वो दिया है। टॉवल्स वगैरह अभी दिया नहीं है, शायद मांगेंगे तो दे देंगे। नहीं, टॉवल्स भी है, बेड पे रखा है, सॉरी। एंड देन ये बालकनी है छोटी सी। बाहर ऐसा सच कुछ व्यूज नहीं है, वो ही होटल ही दिखेगा यहाँ से, बाकी सारे होटल्स दिखेंगे। नीचे से हमने स्टार्ट किया था, यही है सारा। चलिए अब दिन में कहीं हम लोग जाते हैं तो मैं बताती हूँ, वरना शाम को ऋषिकेश की आरती वगैरह तो अटेंड करेंगे, वो जरूर बताऊंगी मैं आप लोगों को। सो हम लोग हमारे होटल से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा ड्राइव करके आए। यहाँ पे पास में ही रामझूला है जिसको क्रॉस कर कर आ सकते थे, बट रामझूला बंद है एंड प्लस उसका रास्ता का इतना आइडिया नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरा ड्राइव करके आए। एंड दिस छोटी वाला रेस्टोरेंट इज वेरी फेमस। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो, हम लोग वीकडेज पर आए आफ्टरनून में, बट स्टिल इतना क्राउड है और हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि इनके फाउंडर कौन है, प्लस इनका ओल्ड न्यू मेन्यू, प्लस इन्होंने छोटी वाला के बारे में कॉमिक स्टाइल में कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, वो आप वीडियो को पॉज कर या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। इनका ओल्ड मेन्यू क्या है वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई है।
प्लस ये अगर इनका एडिशन देखोगे, आई मीन ये होटल 65 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये बोर्ड 2-3 साल पुराना है, तो इसके वजह से यहाँ पे 62 ईयर्स लिखा हुआ है एंड ये मतलब एक्चुअली 65 ईयर्स ओल्ड है। एंड इसकी स्पेशलिटी मतलब जैसे बहुत लोगों को पता ही है कि चोटी वाला है, एंड आप लोग नाम से भी प्रेडिक्ट तो कर सकते हो चोटी वाला है, तो समवन विद अ चोटी ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं यहाँ पे, एंड ये जैसे मैंने इसके बाजू में ये वाला एक्चुअली न्यू रेस्टोरेंट है, जैसे यहाँ पे बैठे हैं कि आप ये अंकल को देख सकते हो, थोड़े से मोटे हैं, इनके बाल के ऊपर चोटी लगी हुई है, एंड लोग यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते हैं। दो रेस्टोरेंट है, मतलब अभी न्यू कौन सा है ओल्ड कौन सा है इतना आइडिया नहीं, बट एक मतलब जैसे एक बहुत भीड़ होती थी तो इन्होंने दूसरा भी ओपन कर दिया, क्योंकि इतना सारा क्राउड को एकोमोडेट करने के लिए ये नहीं होता था। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, क्या क्या हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी चार जन के बीच में हम लोग ने इतना सारा ऑर्डर कर लिया, आई डोंट नो ये खत्म होगा कि नहीं होगा। एंड रिव्यू नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 63, 64, 65 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं इसका रिव्यू मतलब ओवरऑल दे दूंगी, अभी एक एक आइटम का रिव्यू नहीं दे रही हूँ। हमने यहाँ का ये पंजाबी स्पेशल था लिया, जिसमें ये कड़ी पकौड़ा कड़ी, फिर ये पनीर बटर मसाला सैलेड, रायता, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, गुलाब जामुन एंड ये थोड़े से राइस आए, एंड यहाँ पे पापड़ के साथ में चार रोटी दिया हुआ है। प्लस ये है अमृतसरी छोले विथ चना, अमृतसरी चना कुलचे। देन ये है चूरचूर नान विथ दाल मखनी। यहाँ पे चूरचूर नान को चूरा कर नहीं दिया, बट ऐसे ही दिया। मैं ओवरऑल खाने के बाद आपको रिव्यू दे दूंगी खाने का। चलिए अब खाने के बाद मैं आपसे बात करूँ। हम लोग ने क्या क्या मंगाया वीडियो को पॉज कर चेक कर सकते हो। पाँच आइटम है, दो लस्सी हम लोग ने मंगाया। टेस्ट ओवरऑल गुड था, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पंजाबी थाली के अलावा जो मिनी मील्स है इनका, जैसे हमने मंगाया चूरचूर नान विद दाल मखनी, अमृतसरी कुलचा विद चना, मतलब वैसे कुछ आप मंगाओगे तो आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा। मतलब मुझे थाली इतना पसंद आया, क्योंकि इसमें नॉर्मल रोटी भाजी और दाल मखनी, वो आपको अलग जो मिनी मील मंगाओगे ना उसमें भी आपको मिलेगा। लस्सी तो एकदम मौसम था, पहले हमने एक ही ग्लास मंगाया, सोचा अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर हमने और एक ग्लास, इतनी सर्दी खांसी हो रही है, बट मैंने फिर भी लस्सी पी। स्टफिंग वगैरह जो इनका कुलचा बोलो या फिर कुलचा एंड हमने क्या मंगाया चूरचूर नान जो मंगाया, उसके अंदर स्टफिंग बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज एकदम बेस्ट था। हम लोग इतना स्ट्रगल करके अपने होटल से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट आए समझ लो आप, इतना गाड़ी में हम लोग ट्रैवल करके आए, कम से कम 45 मिनट्स लगा, बट आना वर्थ हो गया। यहाँ पे बहुत सुना था चोटी वाला के बारे में, अगर आप लोग चोटी वाला के बहुत सारे आउटलेट्स है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो मेरा सजेशन है आप मिनी मील्स ट्राई करना इंस्टेड ऑफ पंजाबी थाली। अभी बस इतना ही यहाँ से, अभी शाम का मैं आपको बताती हूँ आरती वगैरह में हम लोग जाएंगे। ये चोटी वाला के पास ही राम झूला है, लक्ष्मण झूला तो बंद है, एंड आप देखोगे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, मतलब सामने की साइड में जो आपको दिख रहा है, हम लोग पूरा मतलब वहां से भी थोड़ा आगे पूरा घूम के, मतलब 20-25 किलोमीटर सिर्फ चोटी वाला के यहाँ खाना खाने आए थे। ये पूरा घाट के, मतलब देखो यहाँ पे भी लोग अभी भी, मतलब शाम के टाइम भी लोग स्नान कर रहे हैं, एंड जैसे कि सब घाट पर शाम को 7-7:30 बजे आरती होती है, यहाँ पे भी शाम को 7-7:15 बजे आरती का टाइमिंग है। अभी हम देखते हैं हम लोग कौन से घाट से आरती अटेंड करेंगे, यही घाट से या फिर त्रिवेणी घाट, मतलब बहुत फेमस है, मैंने यहाँ पे गूगल में देखा है। तो अभी वहाँ मतलब इजी कैसा है यहाँ पे अटेंड करें या त्रिवेणी घाट, वो जाकर मतलब बताती हूँ मैं आप लोग को हम लोग कहाँ से अटेंड करते हैं, बट टाइमिंग सब घाट पे आरती का वही है, तो कोई भी घाट पे हम लोग जाकर बैठ जाएंगे। अभी एज ऑफ नाउ इतना ही। तो आज चारधाम सीरीज का हमारा लास्ट डे है, मतलब आज जो हम लोग सुबह में मतलब ऋषिकेश आए एंड फिर यहाँ से चोटी वाला खाना खाने गए थे, एंड अभी डिनर टाइम है, तो डिनर का तो रिव्यू नहीं देना है, ओवरऑल सर चारधाम सीरीज को एंड करना है अभी। मतलब हमारे चारों दर्शन अच्छे से हो गए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ हमारे कल सुबह में हो गए थे। एंड अभी जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप लोग चारधाम के लिए प्लान कर रहे हो या फिर केदारनाथ या खाली बद्रीनाथ के लिए भी प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उत्तराखंड वेबसाइट पे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। प्लस अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो एजेंट आपका मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो में उतना सब कुछ आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आराम से, आपको कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। एंड ऑनलाइन कर आओगे तो बेटर है, क्योंकि हर एक जगह पे चेक पोस्ट होता है, वहाँ पे हर एक जहाँ पे भी आप कोई भी मंदिर के लिए एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी एंट्री ली जाती है कि आप ये मंदिर में मतलब आए थे, एंड फिर उसके आगे कहीं जाते हो तो हर जगह पे चेक पोस्ट है, हर जगह पे चेक किया जाता है।
आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए कि हम लोग ने कहाँ से बुक किया, हमारा क्या प्राइसिंग हुआ है, ये सब कुछ के लिए अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए मेरे पास से, तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कविक्स वर्ल्ड पे, या फिर यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करते इस ब्लॉग को, अगर आपने एक ब्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। एंड अभी तक आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कविक्स वर्ल्ड ये सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। थैंक यू, बाय बाय।